5 लाख की स्मैक के साथ उज्जैन पुलिस ने राजस्थान के 2 तस्करों को भी पकड़ा है। राजस्थान के 2 तस्कर देर रात करीब 5 लाख की स्मैक के साथ गिरफ्त में आए हैं। पुलिस ने शुक्रवार को दोनों को रिमांड पर लिया। मामले में कार्रवाई से इनकार करने पर एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने नीलगंगा थाने के 2 एसआई को लाइन अटैच किया है। दरअसल झालावाड़ स्थित ग्राम चाचुड़नी के ईश्वर पिता शंकर गोस्वामी गुरुवार रात छुमछुम बाबा की दरगाह के पास किसी को स्मैक सप्लाई कर रहा था। क्राइम ब्रांच की सूचना पर टीआई तरुण कुरिल ने उसे पकड़कर 3,50,000 रुपए की 35 ग्राम स्मैक जब्त की। खरीदार व सप्लायर का पता लगाने के लिए पुलिस ने उसे 22 मई तक रिमांड पर लिया है। इधर मांगू सिंह पिता बापू सिंह भी रात को ऋण मुक्तेश्वर पर ग्राहक को स्मैक देने के लिए पहुंचा था। सूचना पर टीआई गगन मांडल ने उसे पकड़कर करीब 1,30,000 रुपए की स्मैक जब्त की है। टीआई ने बताया कि मांगू को 23 मई तक रिमांड पर लिया गया है। टीआई कुरिल ने सब इंस्पेक्टर को एनडीएस की कार्रवाई का आदेश दिया। उसके इनकार करने पर एसआई जितेंद्र सोलंकी से कहा, उन्होंने अन्य काम में व्यस्त होने का हवाला दे दिया। टीआई कुरिल ने एसएसपी से शिकायत कर दी। जानकारी मिलते ही एसपी शुक्ल ने दोनों को लाइन अटैच किया है। दिनांक 20/5 को हमको सूचना मिली थी कि छुमछुम बाबा की दरगाह यहाँ पे एक आदमी स्मैक की डिलीवरी देने आया है। तो हमने वहाँ पहुँचकर उस आदमी को पकड़ा था और उसकी तलाशी ली तो हमको 250 पुड़िया स्मैक की उससे प्राप्त हुई। तो हमने उसको विधिवत जब्त किया है। तो 250 पुड़िया में करीब 35 ग्राम स्मैक थी जिसको हमने जब्त करके और उस आदमी को जिसका नाम है ईश्वरपुरी गोस्वामी जो राजस्थान के चाचुरनी गांव का रहने वाला है थाना डक के अंतर्गत आता है उसे गिरफ्तार किया।